हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फ्लेक्स। अगर आप भी अपनी पार्टी के लिए फ्लेक्स बनाना चाहते हो फुल एचडी क्वालिटी में अपने मोबाइल के जरिए, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी पार्टी के लिए कैसे फ्लेक्स बना सकते हो। आप पीटीआई से हो, मुस्लिम लीग नून से हो, या आप पीपल पार्टी से हो, या आप आज़ाद उम्मीदवार हो, जिस भी पार्टी से आपका ताल्लुक हो, इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप उस अपनी पार्टी के लिए अपनी तस्वीर का फ्लेक्स कैसे बना सकते हो। जिस तरह का मैंने बनाया, इस तरह का फ्लेक्स आप भी बना सकते हो अपने मोबाइल में। आपको किसी की मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को कम्प्लीट देखने के बाद। तो आपने क्या करना, इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो गाइज, आपने अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। आपने सर्च पर क्लिक कर देना और यहाँ पर आपने लिख लेना IMAGITOR। यहाँ पर आपको नज़र आएगा इमेजेटर, आपने सर्च कर लेना तो फर्स्ट नंबर में आपको ये मिल जाएगा इमेजेटर उर्दू डिज़ाइन। तो इसे आपने कर लेना डाउनलोड। मैंने पहले डाउनलोड किया हुआ, तो उसके बाद आपने ओपन पर क्लिक कर देना। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिल जाएगा, होम, गैलरी, टेम्पलेट, प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आपने नंबर 3 वाले टेम्पलेट पर क्लिक कर देना। टेम्पलेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप थोड़ी सी लोडिंग लेगा, तो उसके बाद नीचे आपने स्क्रॉल डाउन कर देना। ऊपर भी आपको मिल सकता है, तो नीचे आपने स्क्रॉल डाउन कर देना। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर अभी आपको मैं बताता हूँ, तो यहाँ पर आपको साइड में मिल जाएगा इलेक्शन, यहाँ पर आपको मिल जाएगा इलेक्शन के साइड में यहाँ पर आपको मोर वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपने मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी फ्लेक्स मिल जाएंगे। पीटीआई वाले भी मिल जाएंगे, मुस्लिम लीग नून वाले भी मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको उलमा जमात वाले भी मिल जाएंगे। काफ़ी पार्टियों के फ्लेक्स यहाँ पर मिल जाएंगे। जिस भी पार्टी का आप बनाना चाहते हो उस पर आपने क्लिक कर देना। तो अभी आपने क्लिक नहीं करना, वीडियो को आपने कंप्लीट देखना। इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप किस तरह प्रोफेशनल एचडी क्वालिटी में बना सकते हो। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सिखाना है कि आप आज़ाद उम्मीदवार के लिए कैसे बना सकते हो। तो इस फ्लेक्स को अभी मैं आपके सामने बना कर दिखाऊँगा, इस आज़ाद उम्मीदवार वाले को। तो आपने उस पर क्लिक कर देना, जिसको भी आप बनाना चाहते हो। तो उसके बाद यहाँ पर आपको डाउनलोडिंग फाइल का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो अभी आपके सामने ये डाउनलोड हो जाएगा, आप देखते रहिए इस वीडियो को कंप्लीट। तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा डाउनलोडिंग फाइल हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट नंबर में ये तस्वीर नज़र आ जाएगी, तो इस पर आपने क्लिक कर देना। यहाँ पर हमने अपनी तस्वीर लगानी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, आपने एडिट पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको चूज़ पिक्चर, ऑनलाइन फ़ोटो, ऑनलाइन स्टिकर। तो यहाँ पर आपको एक गैलरी, कैमरा कैंसिल, तो आपने गैलरी वाले पर क्लिक कर देना, इसलिए कि हमारी जो पिक्चर है वो गैलरी में। तो मैं यहाँ पर गैलरी वाले पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन की गैलरी में आ जाएंगे। यहाँ से आपने अपने वो तस्वीर लगा लेनी, जिसको भी आप यहाँ पर लगाना चाहते हो अपनी बैनर के लिए। तो मैं यहाँ पर अपनी तस्वीर लगा देता हूँ। तो मैंने अपनी ये वाली तस्वीर लगा दी। उसके बाद ये डन का ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा, तो आपने डन पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये तस्वीर हमारी लग गई। अब नाम की बारी आती है, तो आपने अपना नाम कैसे चेंज करना, तो आपने ये नेम वाला आइकन पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपने दोबारा एडिट पर क्लिक कर देना और यहाँ पर आपने अपना नाम लिख लेना। जो भी आपका नाम होगा वो नाम आपने यहाँ पर लिख लेना। तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिख लेता हूँ, आपकी मर्ज़ी। आप उर्दू में लिखना चाहते हो, इंग्लिश में लिखना चाहते हो, वो आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। नाम लिखने के बाद आपने डन पर क्लिक कर देना। दोबारा फिर यहाँ पर आपने ये डन वाले पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये नेम यहाँ पर हमारा सेफ हो गया। अब बात यह उम्मीदवार जनरल काउंसलर UC यहाँ पर जो #4, तो आपके जो भी इलाका हो यहाँ पर आपने इस पर क्लिक कर देना, ये जो UC लिखा हुआ। उसके बाद आपने एडिट पर क्लिक कर देना। तो हमारा जो है UC 240, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 240। तो मैंने यहाँ पर UC 200, इस समय थोड़ा स्पेस लगा देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर UC 240 लिख लिया। आपने भी इस तरीके का UC 240 लिख लेना। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा पंजाब हलिया हल्का, ये तो यहाँ से तो ये मेरा वाला नहीं है। तो इस पर आपने क्लिक कर देना, जहाँ के भी आप रहने वाले हो आपने यहाँ पर लिख लेना। तो आपने दोबारा एडिट पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर मैं अपना लिख लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर ये लिख लिया ग्रीन टाउन। उसके बाद मैं डन पर क्लिक कर देता हूँ। दोबारा फिर आपने डन पर क्लिक कर देना, तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा ये हमारा इलाका भी चेंज हो गया। इस तरीके का आपने अपना फ्लेक्स कर देना। अगर यहाँ पर वार्ड नंबर की बात आती है, इस पर आपने क्लिक कर देना। अगर ये भी चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर एक भी लिख सकते हो, दो भी लिख सकते हो। तो मैं वैसे यहाँ पर एक ही लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं डन पर क्लिक कर देता हूँ।
तो ये भी हमारा वार्ड नंबर 1 हो गया। अब बात करते हैं कि इसे आपने सेव कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको साइड में सेव का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपको एक वाटरमार्क मिलता है। इस वाटरमार्क को रिमूव करने के लिए आपने वॉच अप वीडियो रिमूव वाटरमार्क, इस पर क्लिक कर देना तो आपके सामने छोटा सा ऐड आ जाएगा। उस ऐड को आपने कंप्लीट देख लेना। अभी आप देखते रहे, इस वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको नज़र आ गया ऐड हमारा चालू हो गया। तो यहाँ पर आपको 10 सेकंड का 5 सेकंड का ऐड मिल जाएगा, उस ऐड को आपने कंप्लीट देखना है। तो अभी हमारे ऐड कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको ये स्किप का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, अपने स्किप पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा जो वाटर मार्क था वो हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद आपने एक्सपोर्ट टू गैलरी, इस पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो हमारा जो फ्लेक्स है वो हमारे मोबाइल फ़ोन की गैलरी में सेव हो गया। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा हमारा जो फ्लेक्स है वो हमारे मोबाइल फ़ोन की गैलरी में सेफ हो गया। अच्छी क्वालिटी HD यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा, नेम वगैरह साफ। तो आज की वीडियो इतनी, तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।